लेकिन इसमें आ गए हैं दशाश्वमेध पे, दशाश्वमेध मार्ग दिखाऊंगा आपको, जल्दी दशाश्वमेध मार्ग। नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में फिर स्वागत करता हूँ। मैं गुदली दशा से मार्ग दिखाने वाला, जो कि 10 करोड़ 78 लाख की लागत से बनाया गया ये, इसका भी 25 तारीख को लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी जी। तो चलिए चलते हैं, आपको बैक कमरे से पूरा दिखाते हैं, वीडियो लास्ट तक बनी रहेगा। देखिए सर, पुलिस बूथ बाथरूम नया जो पुराना जो पुलिस बूथ बनाया गया है, रोड के नया वाला पुलिस बूथ बनाया गया है। अभी देखिए दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए देखिए यहाँ पे शीशा वगैरह भी लगना स्टार्ट हो गया है, आ देख सकते हैं इधर। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा, चुनार के पत्थर द्वारा बनाया गया पुलिस बूथ, जो कि वाराणसी स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किया गया है। आप ये देख रहे हैं, दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगाया गया है, मान मंदिर घाट 200 मीटर, दशाश में घाट 200 मीटर, पब्लिक सुविधा 150 मीटर, गुदलिया चौक 400 मीटर, ये देखिए बोर्ड लगाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कार हो रहा है, बुलाट गेट यहाँ पे भी लगाया जाएगा। ये देखिए जो भी कार है, 25 तारीख को यहाँ पे भी कार पूरा हो गया है, बुलाट यहाँ की तैयारी हो चुकी है पूरी। और सामने देख सकते हैं ये बनाया गया है पुलिस बूथ। ये क्या हो रहा भैया? हाँ, अच्छा, ये पत्थर नाली बनाया जाएगा यहाँ पे, 25 तारीख को उसका भी उद्घाटन है ना। ये देखिए बुलाट के लिए लगाया गया यहाँ पे, बुलाट के लिए यहाँ पे जो यहाँ पे है रास्ते बंद करने के लिए। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए गैलरी जो बनाई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सामने गेट भी बना दिया गया है। चलिए आप पास दिखाता हूँ अभी आपको, इसके अंदर आने जाने के लिए बस लोगों से अनुरोध करना चाहूँ यहाँ पे गंदगी ना करें। ये देखिए बुलाट के लिए लगाई गई मशीन, ये सामने देखिए बृहस्पति भगवान का मंदिर है। ये देखिए छोटा सा गेट बनाया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप इधर, इसके अंदर जाने के लिए देखिए इधर भी गेट बनाया गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है जाने के लिए यहाँ पे। उस साइड भी उसी तरह बनाया गया है। अब चलिए चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं चल के। ये सामने देख रहे हैं बृहस्पति भगवान मंदिर है ये, और ये काशी से मंदिर जाने के लिए साइन बोर्ड बनाया गया है। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं कि बोर्ड भी चेंज हो रहा है, नया नया लगाया जा रहा है। इसकी लागत है करीब 10 करोड़ 78 लाख की लागत से बनाया गया है ये रोड, इसका भी पूरा जैसे कि बृहस्पति भगवान का मंदिर के सामने खिचड़ी भगवान मंदिर है। यहाँ पे सुबह शाम यहाँ पे प्रसाद वगैरह बैठता है, खिचड़ी बैठता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी साइन बोर्ड लगाया गया है, देख सकते हैं बृहस्पति भगवान मंदिर 20 मीटर, मान मंदिर घाट 200 मीटर, शीतला घाट 150 मीटर, तदाश्वमेध घाट 400 मीटर। इधर के सामने आ गया काशी विश्वनाथ मंदिर सिंह द्वार, गेट नंबर 1। इसके अंदर से आप जा सकते हैं अन्नपूर्णा मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन कर सकते हैं। बस लोगों से मैं अनुरोध करें, यहाँ पे साफ सफाई रखें, गंदगी ना करें। सभी दुकानों के साइन बोर्ड भी चेंज हो जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। सब देखने बैठने वैठने के लिए यहाँ पे चुनार की कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं यहाँ पे। ये देखिए लाइट लगाया गया यहाँ पे, लाइट देख सकते हैं इसमें तिरंगा एलईडी बल्ब लगाया गया, एलईडी लाइट लगाई गई यहाँ पे, एलईडी देखिए तीनों कलर में है यहाँ पे, रेड वाइट और ग्रीन। ये भी ऐसे जितने भी हैं सब में लगाए जाएंगे ये। अरे 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 सुनो ना,
और यहाँ का मार्केट देखिए आप, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वहाँ ने पटी से कई सारे परियोजना का की सौगात देंगे, जैसे रिंग रोड हो गया, बहुत सारे हो गए, कालिका धाम पुल हो गया, गंगा गोमती घाट हो गया, सबका जितनी भी परियोजना बनी है उसकी सौगात देंगे। देखिए यहाँ का मार्केट है, ये देख सकते हैं इधर, ये गोपाल कट रहा है, गोपाल मार्केट कट रहा है ये दशा स्मिथ का। इसके अंदर आएंगे सभी मार्केट आपको मिल जाएंगे लाइन से देखने के लिए, देख रहे लाइन से मार्केट इसके अंदर आपको मिल रहा है देखने के लिए, काफ़ी सस्ते दर में यहाँ मिलते हैं, लोग देते हैं यहाँ पे कपड़े वगैरह। ये देखिए यहाँ पे सुबह टाइम में आएंगे तो यहाँ पे कोई समय मिलेगा अभी। सामने देख रहे हैं शांति की महादेव मंदिर है ये, तो आगे देख रहे हैं बुलेट की तैयारी भी चल रही है जिससे कि गाड़ियों की आवागमन बंद हो जाएगा। ये देखिए संतुष्टि साड़ी प्राइवेट लिमिटेड दुकानें हैं यहाँ पे, ये है रमन कटरा, तुम लोगों का यही गाना गाने रखना है। ये देखिए रमन कटरा है, उसके बगल वाला जो कटरा है गोपाल कटरा है वो है, इसी प्रयोग प्रज्ञाओं को लोकार्पण करेंगे 25 तारीख को नरेंद्र मोदी जी। भाई तो यहाँ पे बड़ी गंदगी करते हैं लोग, बस लोगों से अनुरोध करना चाहूँ कि भाई अनुरोध यहाँ पे जो गंदगी जो सरकार बना रही है उस गंदगी ना करें यहाँ पे लोग, और क्या बहुत गंदगी फैलाते हैं लोग, कचरा फेंक देते हैं और उसको साफ नहीं, वही कह रहे हैं ना। देख रहे हैं यहाँ पे नालियाँ, देखिए दिखा रहा हूँ आपको नालियाँ, देखिए यहाँ पे पिच करते हैं लोग यहाँ पे, ये देखिए दिखा रहा हूँ आपको। और चलिए आगे चलते हैं, बुलाट लगाया जा रहा है जिसमें आप गाड़ियाँ अभी खड़ी होती हैं दो भैया वहाँ जो खड़े आप देख सकते हैं कि आप लोग कई बार बोले कि भैया मल्टी लेवल पार्किंग बन गया लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग गाड़ियाँ एंट्री कर रही हैं। देखिए वहाँ पे अब चालू हो गया है, अब दिखाता हूँ अभी चल के, मतलब तैयारी चल रही है वहाँ पे। सब जितनी भी गाड़ियाँ देख रही बस कुछ दिनों में आपको नहीं दिखेंगी यहाँ पे रोडों पर। देखिए सभी दुकानों के साइनेज बोर्ड चेंज किए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप इधर सामने। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा। देखिए गाय माता है, ये देखिए अभी दुकानों के साइनेज बोर्ड चेंज किए जा रहे हैं। बस अच्छा भाई इसको भी कवरेज थोड़ा किया जाए, ये देखिए संजय गांधी मार्केट है लेकिन अभी इसके अंदर चालू हुआ नहीं है। सुबह टाइम चाहे शाम के टाइम रात के टाइम कभी भी आएंगे यहाँ पे आपको जाम मिलेगा ही, भीड़ भाड़ मिलेंगे ही। ये देखिए ट्रांसफार्मर है बगल में, अब देखिए यहीं पे देखिए बुलाट लगाया जा रहा है, ये देखिए भैया कब चालू हो जाएगा ये कुछ पता है इस बारे में? तो गाड़ियाँ बंद हो जाएगी ना जाना फिर आप लोग भी ठिलाने लगे लग पाएगा, फिर लग पाएगा कुछ जुगाड़ दे। और चलिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यही मशीनें लगाई जा रही हैं यहाँ पे, इसी के द्वारा ये देखिए हैंडल किया जाएगा ये। और ये चीज़ बताइए मैं जितने दो भैया वाहन जा रही है बंद हो जाएगा एकदम आना जाना थोड़ा हो जाएगा तो पार्किंग इसका 25 तारीख को लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी जी, तो 4-5 तारीख तक हो जाएगा ये उससे पहले तैयार है तो बस चालू करना ये सब पट जाएगा सब रेडी है।
कि यहाँ पे भी साइनेज बोर्ड लगाया गया जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर 200 मीटर बंगाई चोला, 350 मीटर गिरजाघर, 150 मीटर दशा से प्लाजा, 200 मीटर जो बन रहा है वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भी चुनार के पत्थर लगाए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। इधर भी तैयारी चल रही है। यह है गोदोलिया का हृदय स्थल। आप सीधे निकल जाएंगे गेट नंबर 4, इधर निकल जाएंगे गिरजाघर निकल जाएंगे, इधर निकल जाएंगे आप जगम्बाड़ी लंका बीएचओ। ये 25 तारीख को चालू हो जाएगा, 25 तारीख तक चालू हो जाएगा बुला, क्योंकि 25 तारीख को इसका भी उद्घाटन होने वाला है, मतलब तभी इसके भी प्रयोजन में उड़ा रहा है। वो बताएंगे हम क्या बताएंगे। चलिए आप लोग की ड्यूटी वगैरह रहती है तो गाड़ी को कौन सा रास्ता जाएगा? इधर जाएगा, इधर क्या है? हेलो, ये हम लोग यूट्यूब चैनल से हैं। हाँ, तो हम लोग वीडियो बनाते हैं परियोजना में कितना कहाँ तक विकास कार्य पहुँचा है, मतलब यही सब हम दिखाते रहते हैं चैनल पे। हाँ, आगे पहुँचा हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? इसके बारे में ये मतलब कब तक चालू हो जाएगा ये बोलाड अभी चालू हो जाएगा? चालू हो जाएगी। हाँ। अच्छा, दो पहिया जो वाहन खड़ी होती सर, तो मतलब ये बंद हो जाएगी आना जाना? हाँ, खड़ी होगी इसमें। अच्छा, ये चीज़ और बताइए, जानकारी और दे दीजिए मुझे, जिनका गलियों मकान है तो उनके लिए क्या किया जाएगा, मतलब गाड़ी कैसे जाएंगी उनके जाएंगी? हमेशा चालू नहीं रहेगा ये। तो फिर भी गाड़ी लोग खड़ा करेंगे रोड पे? तो फिर भी नहीं, गाड़ी के लिए मिस्त्री बना रहे हैं, मतलब पास बना रहे हैं, गाड़ी को खड़ा करेंगे। जैसे आपने बोला है कि हमेशा ये चालू नहीं, वीआईपी मोड के लिए चालू रहेगा, तो जैसे लोग गाड़ी रोड सामने खड़ा करते हैं गाड़ी के लिए फंक्शन हो जा रहा है। जी ये हो जा रहा है, तो यहाँ खड़ा कराएंगे। अच्छा जी, धन्यवाद भैया। मतलब ये बता रहे भैया यहाँ पे ये अभी चालू हो जाएगा, कुछ देर में तैयारी पूरी हो चुकी है। अब चलिए आपको थोड़ा सा ऊंचाइयों चढ़ के दिखाते हैं आपको चल के। मैं थोड़ा सा बगल, अब देखिए ये है गोदोलिया दशाश्वमेध मार्ग। अब यहीं से देखिए यहाँ पे गुलाट लगाया जा रहा है, वो आज चालू हो जाएगी। लगता है कि गाड़ियाँ आना जाना बंद हो जाएंगी, सबसे लोग यहाँ पे बता रहे हैं। और सामने देख रहे हैं मल्टी लेवल पार्किंग है, और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, और जो लोगों का गलियों मकान है उन लोग के लिए पास बनाया जाएगा यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय माता दी।